तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ध्रुव रागी भी अपने बैकग्राउंड में इस तरीके का एलिमेंट्स यूज करते हैं, अली अब्दाल जैसे एनिमेशन करते हैं उस तरीके का, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करने वाले। स्क्रीन में एक प्ले करके रखा है जो कि बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव है। आइकॉन को यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो में जा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्लैट आइकॉन पे जाता हूँ, ठीक है। ये रहा फ्लैट आइकॉन, तो यहाँ से आप कुछ भी एक आइकॉन डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक आइकॉन डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये आइकॉन है ट्रांसलेट का आइकॉन है आई थिंक सो। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीधा प्रीमियर प्रो में मैं लेके आके ड्रैग कर देता हूँ, ओके। और ये इसको यहाँ पे अलाइनमेंट कर देता हूँ एंड सी प्रेस करते हुए मैं कटिंग टूल का यूज करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, एक चीज आ चुका है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ब्लैक है और हमारा यहाँ पे ये चीज भी ब्लैक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाइट अप्लाई करूंगा तो इस तरीके का ग्लो इफेक्ट। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कलर भी कैसे चेंज करेंगे और ग्लो भी कैसे ऐड करेंगे लाइक अली अब्दाल एंड ध्रुव राठी वीडियो एडिटिंग स्टाइल। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है। सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे पोजिशन में जाके इसका थोड़ा सा ऊपर ग्रिड में भी हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे। एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला आपको प्रीसेट भी देने वाला हूँ, सो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। सो इसको क्या करना है, हम लोग को आफ्टर इफेक्ट्स में इसको लेके जाना है प्रोजेक्ट को। सो राइट क्लिक करता हूँ, ओके, देन रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे हो तो इसमें क्या करेगा, आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिशन बनाएगा और उसको प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ेगा। तो उसको आप नेम क्रिएट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, दैट्स इट। सो इसके बाद यहाँ पे आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोकेशन आ चुका है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक आइकॉन किस तरीके का एनिमेशन है जैसे कि मैंने प्ले किया था, ओके। सो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से हम लोग का ये ट्रांसलेट आइकॉन में जाएंगे, ओके। सो प्रोजेक्ट का नेम से आएगा, मैं कंट्रोल भी करता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने इफेक्ट बनाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कौन से टाइप के इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे चेंज टू कलर जो कि कलर को चेंज करता है, इफ आई क्लोज दिस यू कैन सी रियल कलर मतलब ब्लैक। तो उसके बाद देख सकते हैं आप ग्लो में मैंने कौन से प्रॉपर्टी यूज किया, आपको बता देता हूं। ग्लो थ्रेशोल्ड रखा है 100% या फिर 90 के अराउंड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लो रेडियस डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना ग्लो चाहिए वो रख सकते हैं, और इंटेंसिटी आप जितना बढ़ाओगे उतना इसका रेडियस रेडियस के साथ साथ ग्लोनेस भी बढ़ेगा। तो 10 में भी 10 और 15 ओके रहेगा। तो इसका प्रीसेट बना के मैं रख देने वाला हूँ, आप कमेंट कर दीजिए मैं वहां पे ड्रॉप कर दूंगा। देख सकते हैं एक किस्म का ग्लो आ चुका। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे एनिमेट करेंगे, किस तरीके से एनिमेट करेंगे, तो अब हम इस आइकॉन में हम लोग एनिमेट करेंगे। किस तरीके से एनिमेट करेंगे, विगल एनिमेशन। फर्स्ट आपको पी पोजिशन करना है, आर्ट होल्ड करते हुए स्टॉप वॉच आइकन में क्लिक करना है, आर्ट होल्ड करते हुए स्टॉप आइकन में क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको कंट्रोल ए डिलीट करना है। मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ WIGGLE विगल एंड ब्रैकेट, ओके। इसके बाद 0.1 स्पीड लिख रहा हूँ, ये स्पीड है। उसके बाद वो कितने टाइम तक एनिमेट होगा, 10। तो इंटर प्रेस करता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का आइकॉन एनिमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से एनिमेट करना चाह रहे हैं। बेसिक है तो आप इसमें जो नंबर्स है नंबर्स में प्ले कर सकते हैं, ओके। अगर मैं 10 रख रहा हूँ तो थोड़ा स्लोअर मूव होगा कि ये स्पीड है, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के एनिमेट हो रहा है। तो मैं इसको 5 भी करता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं 15, 20 इस तरीके से प्ले करते हैं, 5, 20 इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एक इफेक्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो फॉर योर वीडियो एडिटिंग। सो इस तरीके का एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है, अली अब्दाल और ध्रुव राठी बहुत ही यूज करते हैं। होप यू आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसका प्रीसेट भी मैं बना दूंगा और आप कमेंट करोगे तो मैं वहां पे ऑब्वियसली आपको ड्रॉप कर दूंगा। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे क्रिएटिव।